लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बार हम मर्दों पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम लोग झूठे हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, जबकि सच तो ये है कि हम बेचारे मर्द एक बहुत बड़ी साजिश के शिकार हैं। बचपन से ही स्कूल के सबसे पहले सबक में ही हमें झूठ सिखाया जाता है, गलत सिखाया जाता है, मैं तो कहता हूं कि रॉन्ग सिखाया जाता है। जहां हमें सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, हमारी आंखें तो इस महान जगह आकर खुलती है जिसे हम कॉलेज कहते हैं। सो
बेसिकली कॉलेज के इन आखिरी दिनों में हम फ्यूचर जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि कॉलेज वो जगह है जहां जिंदगी का असली एपीसी हम दिल लगा के पढ़ते हैं, सच्चे मन से और सच्चे तन से, और पूरी कोशिश करते हैं कि सुबह शाम दिन रात की मेहनत के बाद हमें फन जरूर मिले। तालियां। Come on, baby. Jump, boys. Jump, practical. Go, go, go. Come on, come on, come on. Oh no, Maryam. How are you, my love? I miss you. I love you. अरे यार ये बेवकूफ मरियम फिर मेरे पीछे लग गई। अरे बेचारी, इतने सालों से अपने प्यार की आशा लेकर तेरे पीछे घूम रही है। अरे यार तुम लोग अपनी फालतू बकवास बंद करो। वहाँ अपना फ्रूट सैलेड इंतजार कर रहा है। Let's go. रोशनी है तो रोशनी, चाशनी है तो चाशनी। ओ दुनिया पहुंची चांद पे, तू छत पे आने से डरे। दुनिया पहुंची चांद पे, तू छत पे आने से डरे। प्यार पे दुनिया टिकी है और तू प्यार जगाने से डरे। रेस्टलेस मेरा दिल हो रहा है, तेरी सांसों से ग्रिल हो रहा है। हाय रेस्टलेस मेरा दिल हो रहा है, तेरी सांसों से ग्रिल हो रहा है। आज तुम जरूर है, तुमने कहा दूर है, आज हम मूड में हैरानी। और तुझको भी पता है ये, हमको भी पता है के बार बार आए ना जवानी। और चीर आखिरी दिन, आखिरी एबीसी। आज के बाद मैं कॉलेज को मिस करूंगा। क्या? तुम लोगों को भी। लेकिन जाने से पहले इसका ए बी सी जेड तक पढ़ के आता हूँ। Never fear when आती किसी है। Check.
आपने मुझे क्यों मारा? क्योंकि ऑल क्राइम इज अ काइंड ऑफ डिजीज एंड शुड बी ट्रीटेड एज सच. महात्मा गांधी. अर्थात हर गुनाह एक किस्म की बीमारी है जिसका इलाज करना जरूरी है, और तुम्हारी बीमारी का इलाज अगले 5 सालों तक मैं करूंगा. मेरा इलाज करने वाले आप कौन होते हैं? रॉबर्ट परेरा, योर न्यू प्रिंसिपल. कितनी शान से तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब मैं भी देखना चाहता हूं कि तू सच कह रहा था या उस लड़की को उल्लू बना रहा था. आज के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट किसी फीमेल स्टूडेंट के साथ आंख लड़ाते, होठ मिलाते या कोई भी गंदी हरकत करते हुए पकड़ा गया, तो इसी लड़के की तरह उसे सबक सिखाने के लिए इस झाड़ से बांध दिया जाएगा. एंड वेयर द ऑफेंसेस, लेट द ग्रेट एक्ट फॉल. अर्थात जहां उठेगा बाप, काटेगा कुल्हाड़ी बन के बाप. यार थैंक गॉड ये नया प्रिंसिपल हमारे आखिरी दिनों में आया. जरा सोचो अगर हमारे टाइम पे होता तो हमारा क्या हाल होता. यार बच गए यार बेचारे स्टूडेंट्स. अब अगले 5 सालों तक उनकी कॉलेज लाइफ तो हेल बन जाएगी, लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद भी हमारी लाइफ कॉलेज की तरह होगी. वन बिग पार्टी. पीले मेरे बाप, अब तो पीले. हाथ निकाली और ये ले बोतल पीले. अरे तू पीता क्यों नहीं है यार? एक काम दिया था आपको, अब वो भी ठीक से नहीं कर सकते क्या? अरे पप्पू दूध नहीं पी रहे, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने ठीक से पिलाया? हाँ ममता मैं बिल्कुल अच्छी तरह से पिला रहा हूँ. वैसे भी जब से पप्पू पैदा हुआ है मैं पिलाने में एक्सपर्ट हो गया हूँ. इतना गर्म है, मेरे बच्चे का मुंह जलाना चाहते हो क्या? इसीलिए नहीं पी रहा बेचारा. मैं दूध ठंडा करके लाती हूँ. एक काम ढंग से नहीं कर सकते आप. काश उस मनोज रात मैंने क्रोध का विरोध नहीं किया होता. अबे चुप कर, इतना रोएगा. चुप. हेलो अबे साले कहाँ है तू? जब से तू फादर इंडिया बना है तब से दोस्तों की लाइफ से मिस्टर इंडिया हो गया है. अब तुझे क्या बता, जिस दिन तू बाप बनेगा उस दिन तुझे पता चलेगा कि बेटे का सुख क्या होता है. हाँ यार बड़ा लकी है तू. अच्छा सुन, आज रात तू मैं और प्रेम मिल रहे हैं ना? हाँ वो प्रेम को उसकी बैंक से पिकअप करना है ना, लेकिन तुझे अपने ऑफिस से इतनी जल्दी छुट्टी मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, यही तो फायदा है बेटा. जब ऑफिस में बीवी बॉस होती है, बॉस वो है लेकिन राज मैं करता हूँ. सी यू. मैडम का हमेशा की तरह बड़े बॉस के केबिन में. It is just so exhausting. I just fall in love with it, you know. This, telling you, he'll just love it. ये क्या किया तुमने? Have you gone mad? तुम कुत्ते के साथ खेल रही थी? हाँ. Oh, you bitch! I mean, you dog! तुमने मुझे लात क्यों मारी? मुझे लात क्यों मारी? सर वो मैं आप गलती है सर. मेरी गलती है. हाँ ये देखिए केला खाते हैं छिलका कहीं भी फेंक देते हैं, पैर फिसल गया लात लग गई. तुम मेरे केबिन में किस लिए आए थे? एक अर्जेंट काम है सर, मुझे जल्दी जाना होगा. ऑफिस का काम नहीं पर्सनल. एक मिनट, मैं आपको पर्सनल काम के लिए ऑफिस से छुट्टी नहीं दे सकती. बट मिस्टर मीत, ये ऑफिस है आपका घर नहीं. यहाँ ना ही मैं आपकी बेबी हूँ और ना ही बीवी, सिर्फ बॉस. डू यू गेट इट? Now you can leave. Out. और ये लेते जाओ. Out. Out. ये फल मिला.
समझते क्या आपने आपको? गुलाम बना दिया, छुट्टी नहीं देंगे। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ ये कामचोर ऑफिस में है कि नहीं। I hope so. It's working. Thank God. तो ठीक से फॉर्म भर के लाओ। साला शो ऑफ। But next. कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। मार क्यों रही हो भगवान? कर रहा हूं ना। अगर कोई अपनी जगह से हिला तो इधर ही ठोक दूंगा साले। चल ए कैश निकाल, कैश निकाल। ए माल भर जल्दी, ए जल्दी जल्दी माल भर। चल भर तो। ए तुम में से किसी ने देखा बैंक किसने लूटा? हाँ मैंने देखा, बैंक तुमने लूटा। अच्छा तो तूने देखा? हाँ। ए तूने देखा बैंक किसने लूटा है? मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरी बीवी ने सबको देखा। अच्छा तो तूने भी देखा। थैंक यू सर, जान छूटी। किसने भेजा अलार्म? अरे पैसा छोड़, पुलिस आएगी। चल भाग। मिस्टर प्रेम, ये बैंक रॉबरी रोकने के बाद आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं? मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मुझे जाना है। मिस्टर प्रेम सिर्फ एक और क्वेश्चन प्लीज। एक और क्वेश्चन पूछा आपने तो मेरी फीलिंग सीलिंग तक पहुंच जाएगी, मुझे जाना है। लेकिन मिस्टर प्रेम, हमारी बॉयज नाइट आउट का क्या? बॉयज नाइट बाहर में मुझे घर जाना है। आज जो आपने कारनामा किया है ना, उससे पूरे चावला परिवार को आप पर फक्र है। अरे बैठ, वो कारनामा तो कुछ नहीं है। असली कारनामा क्या होता है वो तो तुम्हें आज पता चलेगा। My darling Tulsi, you are looking so naughty. तुलसी बेटा, जरा किचन में आना। मुझे जाना होगा, माँ बुला रही है दाल पकाने। बाबूजी के लिए चावल भी चढ़ाना है। चावल? चांद पर बनी हुई है और तुम्हें वहाँ चावल चढ़ाने की फिक्र हो रही है। I'm sorry, मैं यूं गई और यूं आई। नहीं, माँ आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक बात। दाल पक गई, तंदूर भी बन गया, लेकिन अब मैं तुम्हारे तन से दूर नहीं रह सकता। कम चिकन, कम टू मी। तुलसी, छोटू को पढ़ाने आ जाओ। अब छोटू को क्या पढ़ाना है? कल छोटू के बायोलॉजी के एग्जाम्स हैं। पिछले एग्जाम में उसके मार्क्स पहले से बहुत डाउन हो गए। अरे यार वो अपने आप पढ़ लेगा, वो तुम उस पे छोड़ दो और मुझ पे ध्यान दो। Do you understand? मुझे जाना होगा, मैं यूं गई और यूं आई। नो 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 नो। भाभी आप जाइए, मैं पढ़ाती हूँ। थैंक यू। अरे यार इस फैमिली की वजह से मैं तुम्हारा बायोलॉजी भूल गया। बस अब बहुत हो गया, अब कोई भी बुलाए तुम ही जाओगे, क्योंकि I have a crazy price for you. कहीं मैं जाना, मैं यू गया और यू आया। अरे ये भाभी जी की बिल्ली पुष्पी यहाँ क्या कर रही है? पुष्पी कम कम, पुष्पी ओ कम बेबी। सरप्राइज। इस गैंग के बारे में और जानने के लिए देखते रहिए यही चैनल ऑन योर टीवी। अगर आपको प्यारी है अपनी बहन, बेटी और बीवी। बड़ी देर हो गई, मेरी बीवी कहाँ है? हेलो। हाँ मीत, बोलो। उन्नति बीवी कहाँ हो तुम? मैं बॉस के घर पे हूँ। अरे ये इस हफ्ते में पांचवी बार है जो तुम ऑफिस के बाद बॉस के घर मीटिंग के लिए गई हो, क्या हो रहा है ये?
अब क्या करूं? वर्क इज वर्क. मैं देर से आऊंगी. बाय. हेलो काटिया. बॉस 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 कहीं का बॉस कम. मुझे नंगा गैंग का सरदार ज्यादा लगता है. आज तो मैं इन दोनों को चंगे आई मीन रंगे हाथों पकड़ूंगा. वो व्हाट अ कार. कमीना कितना कमा रहा यार. नहीं बीएमडब्ल्यू ले ली. काश ये बीएमडब्ल्यू मेरी होती. मेरी बीवी बीएमडब्ल्यू निकली. बेवफा मेरी वाइफ. मेरी घर गृहस्थी के अंदर हमारा बॉस आग लगाने जा रहा है. अब तो देख मैं तेरी गाड़ी का क्या हाल करता हूं. BMW. Hello. Meep, कहाँ हो तुम? मैं? I have good news for you. Boss ने मुझे एक surprise दिया है. मेरे काम से खुश होकर उन्होंने मुझे brand new BMW car gift की है. मैं उसे लेकर घर आ रही हूँ. हम दोनों साथ में long drive पे जाएंगे. Okay? Bye. BMW. रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा. कुछ ठीक नहीं होगा पिताजी, कुछ ठीक नहीं होगा. ऐसा नहीं कहते. सर, क्या लगता है इसे बचा पाएंगे? बचा तो सकते हैं, लेकिन लगता नहीं ये दोबारा चल पाएगा. पाएगा नहीं, पाएगी. मेरी पुष्पी मेल नहीं फीमेल है. मेरी पुष्पी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अगर इसकी पुष्पी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा. डार्लिंग, डार्लिंग. पुष्पी 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 सब लोग उसी के लिए कह रहे हैं. कोई ये नहीं पूछ रहा है कि पुष्पी कहाँ घुसी. ये पेट्स की तो ऐसी की तैसी. हाँ पप्पू, बस बस बस, ना मुन्ना ना, इतना नहीं रोते, सो जाओ अभी. चलो. क्या हुआ मेरे मुन्ने को, क्यों रो रहा है इतना पप्पू? क्या गूगल से डाउनलोड हुआ था? अरे इन्हीं सब बातों की वजह से तो पप्पू आज इस दुनिया में है. देखो अपने पति को इस तरह मत तड़पाओ. प्लीज ऐसा मत करो राधा रानी. प्लीज प्लीज ऐसा मत करो. प्लीज मैं फ्रेश हो गया.
कौन है तू? अबे शकल से क्या सलमान खान दिख रहा हूँ? अबे चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। सारे तेरे को क्या हाजी का दिन मिला था? तो क्या डेट लेके आता क्या? वॉल्यूम कम कर। क्यों? चक चाय का। इतनी मुश्किल से कितने महीनों बाद बीवी के साथ टाइम मिला था। सारे कब आप एंटी? निकल निकल तू। ए पप्पू को जगाऊं क्या? एक काम कर। क्या? तुझे जो चाहिए चुपचाप। अच्छा बिना आवाज के। हाँ हाँ ठीक है जा। इसे तू लेके जा। अरे मैं चोर हूँ, कोई अनाथ आश्रम नहीं चलाता जो बच्चा भी ले जाऊँ। फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट। फिर बेबी आई लव यू। ओह गॉड आई मिस यू सो मच। आई मिस यू सो मच। आज की रात बस तुम हो और मैं हूँ और कोई नहीं है। ओह गॉड पप्पू पप्पू इस का पप्पू। थैंक यू डॉक्टर। डरा दिया तुमने यार। तुम और पप्पू यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बताने आई हूँ कि घर में चोरी हो गई है। पता है? क्या क्या तुम्हें किसे पता? अभी तो तुमने बताया कि घर घर में चोरी हुई है। चलो पुलिस में कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन? दिन भर पप्पू 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 करती रहती हो। कभी घर का ख्याल रखती, इस घर वाले का ख्याल रखती तो चोरियां नहीं होती। हेलो हेलो मिस्टर अमर, मैं कॉलेज से बोल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आई मीन श्री लालचंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, स्लर्ट्स इन शॉर्ट। आजकल बीबीएम लैंग्वेज का जमाना है ना, इसलिए शॉर्ट फॉर्म। बोलो क्या है? हमारे कॉलेज की 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ रीयूनियन वीक, जिसमें आप और आपकी फैमिलीज एक हफ्ते के लिए हमारे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। वाओ दैट्स अमेजिंग। यानी कि एक हफ्ता दोबारा कॉलेज लाइफ की यादें ताजा करने का मौका। हाँ तो आप आएंगे? आऊंगा। अरे 100% आऊंगा, मोस्ट डेफिनेटली आऊंगा। वैसे भी आई लव गर्ल्स। व्हाट? आई मीन कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ, कंफर्म कंफर्म। बेबी वो कॉलेज का रीयूनियन है, मेरे कॉलेज से फोन था, रीयूनियन है अगले हफ्ते। चलेंगे ना बेबी, बहुत मजा आएगा। काम से ब्रेक भी मिल जाएगा और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा। नीट, मैं बहुत अपसेट हूँ। कीड़े पड़े, कुत्ते की मौत मरे वो कमीना जिसने मेरी बीएमडब्ल्यू की ये हालत की है। बेबी इतनी बद्दुआ मत दो बेचारे को। अगर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं। और वैसे भी मुझे अगले हफ्ते बॉस के साथ मीटिंग के लिए टर्की जाना है, बहुत बड़ी डील फाइलिंग होने वाली है, इसलिए मैं तो नहीं आ सकती। अरे क्या मतलब है कि नहीं आ सकती? अगले हफ्ते पप्पू के वैक्सीनेशंस हैं। तो कैंसिल करा दो, दो हफ्ते बाद दे देंगे। अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं हो सकती, मम्मी जी को एक हफ्ते से चेस्ट कंजेशन है, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है। अरे सारे घर का ठेका तुमने ले रखा है क्या? भैया भाभी भी तो है। यानी कि मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नौकरी? पप्पू पप्पू पप्पू, तंग आ गया मैं पप्पू से। अरे मेरी तुलसी वो तुलसी है जो मुझे छोड़ के पूरे आंगन की है। अरे माँ बाप ने नाम ममता क्या रख दिया, मेरी बीवी तो भूल ही गई कि ममता तो कुलकर्णी भी थी। अरे इतनी जॉइंट तो सूरज भर जाता है कि फिल्मों में फैमिली भी नहीं होती। जैसे शाम होती है हीरोइन हीरो को बोलती है तू चल मैं आई, पर मेरी बीवी का डायलॉग है बस यू गई और यू आई। तू काजू खा यार। थैंक यू। पिछले 6 सालों से हम अच्छे वफादार कुत्तों की तरह, पतियों की तरह सेम थिंग जिंदगी ऐसे जी है जैसे कि ए फॉर एप्पल ही है, बी फॉर बॉल ही है और सी फॉर कैट ही है। अरे हमने तो ये भी मान लिया कि डी फॉर दिल भी है, लेकिन हमारी बीवियों ने हमें एल फॉर लव नहीं एल फॉर लत मारी। अब हम तीनों कॉलेज रियूनियन जाएंगे और वो भी अकेले और दोबारा ABC दिल लगा कर करेंगे ताकि हमें सुबह शाम फन मिले।
ऐसी ग्रैंड मस्ती करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी, देखती रह जाएगी, देखती रह जाएगी। So here we come. Guys, ready for masti? No, we're ready for grand masti. Hi, friends. What's up, guys? Hey. Long time. Hi, guys. नाम याद नहीं आ रहा है? नाम याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ऐसा होता है. ऐसा करते हैं, गेम खेलते हैं. अच्छा? पहले मेरी बीवी तुम्हें अपने नाम का क्यू देगी और तुम्हें गेस करना है और उसके बाद मैं दूंगा. क्या? क्यू? हाँ, ओके. चलो डार्लिंग, हो जाओ शुरू. ओके. क्या मैं मेरा नाम पहन के बताओ या उतार के? बिंदिया. What? बाबा बिंदिया शटी. अबे नहीं यार, पायल. पायल जी, चलिए फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलो यार. ए है ना, पी है ना, सी है. सब शरीफ बन के घूम रहे हैं यहाँ. ए गोटू, अबे सुन, अपने कॉलेज में यार कोई भी लड़की शॉर्ट्स मिनीज ऐसे वाले कपड़े क्यों नहीं पहन रही है? और हर लड़का ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है कि किसी लड़की को देख लिया तो उसकी जान जाएगी? हाँ, क्योंकि अगर वो किसी लड़की को पूरी नजर से देखते हुए पकड़ा गया तो उसका पनिशमेंट मौत से भी बुरा होगा. वो देखो. यानी कि प्रिंसिपल रॉबर्ट अब तक यहाँ का प्रिंसिपल है? हाँ. 6 साल पहले आदिक नाम के लड़के ने उस झाड़ का उद्घाटन किया था. अगले दिन उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया. सुना है कि आज तक वो वहीं है. हाँ, यानी कि अब भी स्टूडेंट्स को नंगा करके इस झाड़ से बांध दिया जाता है? नहीं, उस दिन के बाद प्रिंसिपल रॉबर्ट का डर इस कॉलेज की हवाओं में ऐसे फैलने लगा कि पिछले 6 सालों में ना ही किसी स्टूडेंट ने उनके रूल्स को तोड़ने की कोशिश की और ना ही किसी स्टूडेंट को इस झाड़ से बांधने की जरूरत पड़ी. 6 सालों से ये झाड़ इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का. And where the offense is, let the great axe fall. अर्थात जरा सर उठाएगा बाप, काटेगा कुल्हाड़ी बन के बाप.
प्रिंसिपल रॉबर्ट आज कैंपस में है? नहीं, वो 3 दिनों के लिए यॉर्कशायर गए हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन उनका वफादार सिपाही आज भी पहरा दे रहा है, वो देखो। अबे क्या कर रहा है यार? उझाड़ रहा हूँ। उझाड़? झाड़ उझाड़ने से क्या होगा? वे सब उल्टा हो गया यार। इस कॉलेज में तो प्रिंसिपल रॉबर्ट का साया कुल्हाड़ी बन के अब तक लटका हुआ है। रोज मैम? अरे रोज मैम थोड़ी है, ये रोज मैम नहीं है। वे रोज मैम ही है। रोज मैम? रोज मैम? हेलो मैम। रोज मैम? हेलो। हाउ आर यू? आई एम फाइन। क्या देख रहे हो प्रेम? नहीं मैम, वो कॉलेज के दिनों में इस फाउंटेन में कितना पानी बहता था, है ना? मत पूछो, पिछले 6 सालों से इस कॉलेज की हालत बहुत ही खराब है। आओ प्रेम, तुम्हें ऑफिस ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवा देती हूँ। जी मैम। अपना तो पता नहीं, लेकिन प्रेम का काम हो गया है। हेलो मरियम। हाय। मी, आई डोंट बिलीव इट, तुम इतना बदल गए हो। बदल तो तुम भी कितनी गई हो। ओह, यू नोटिस्ड? ऑफ कोर्स, नोटिस कैसे नहीं करता। कहते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया का एक ही ऐसा अजूबा है जो स्पेस से दिखाई पड़ता है। अब उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी जुड़ गया है। हाउ स्वीट। और कैसे हो तुम? बस। मिसेस स्मिथ कहाँ है? वो तो घर पे है। आई केम अलोन। लोनलीनेस दूर करना चाहोगे? यस टीचर। Then report to my private tuitions at 9 o'clock. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। Yes teacher. Yes teacher. Okay. See you at 9. See you. Yes. अबे तू फिकर मत कर यार, तुझे भी कोई ना कोई मिल जाएगी। हाँ, तब तक तू हम दोनों की लॉटरी सेलिब्रेट कर यार, बियर शेयर पीते। बियर है, ओपनर नहीं है खोलने के लिए। मैं हेल्प करूं? दीजिए। लीजिए। लीजिए। मैं मैरी हूँ, यहाँ की करंट स्टूडेंट, और मुझे ड्यूटी दी गई है तो मेक श्योर कि आपको किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। अमर, हम लोग तुम रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड? वो आईडी वो मेरा बैग में है, तुम आईडी निकालो तब तक मैं ये बियर साफ कर लेता हूँ। ओके। चल अच्छा हुआ, अमर की भी लड़की पड़ गई। ये खुल नहीं रही है। अरे जरा जोर लगाओ, खुल जाएगी। ओके। वैसे आज रात क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। Wanna play tick tick koda? Tick tick koda? I love tick tick koda. Okay, then see you at 9. Hmm.
इतना किंकी कब से हो गया तू? किंकी? और मैं? अबे इधर पिछवाड़ा है ये बीचेवाड़ा? वो अंदर से चीजें निकाले जा रही थी, निकाले जा रही थी, निकाले जा रही थी। अरे वो मेरे पिछवाड़े से नहीं, वो इस बैग से निकाल रही थी। बैग? हम लोग तो बाहर पागल हो रहे थे यार। अरे पागल हम लोग नहीं, पागल तो यहाँ की लड़कियां हो रही है। आज रात हम लोग बादल बनकर बरसेंगे, बरसेंगे, बरसेंगे और तीन नई कलियां खिलाएंगे, खिलाएंगे, खिलाएंगे। ईश्वर तुम्हारे मम्मी डैडी घर पे नहीं है? नहीं है सिले। ओ बेबे मूड में फायर है बेबी तेरे एटीट्यूड में, तू भी मूड में मैं भी मूड में फायर है डूड तेरे एटीट्यूड में, तुझे करूं इनवाइट बड़ी क्रेजी है नाइट, क्रेजी बारिशों में आजा दिल वेट कर ले, आजा मामला सेट 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 कर ले। शर्म छोड़ कर लिमिट तोड़ कर आ जाना, यू ना टीज कर मुझको प्लीज कर, ऐसी चीज करो जाना, अरे दिल के मोड़ पर शर्म छोड़ कर लिमिट तोड़ कर आ जाना, यू ना टीज कर मुझको प्लीज कर, ऐसी चीज करो जाना, मस्ती की ले ले राइड, दिल होने दे सेटिस्फाइड, लव की हो जाएगी हाइट, आजा बैट कर ले, आजा मामला, आजा आजा मामला सेट कर ले, आजा आजा मामला सेट कर ले, आजा मामला सेट कर ले। हसीन हो बेहतरीन हो थोड़ी मीन हो जाना, तुम भी चंट हो एक करंट हो एक्सीलेंट हो ओ जाना, तुम हसीन हो बेहतरीन हो थोड़ी मीन हो ओ जाना, तुम भी चंट हो एक करंट हो वैसी दुनिया की ऐसी की तस्वीर, आजा इश्क में टट फॉर टट कर ले, आजा मामला सेट 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 कर ले, तू भी मूड में मैं भी मूड में फायर है बेबी तेरे एटीट्यूड में, तू भी मूड में मैं भी मूड में, तुझे करूं इनवाइट बड़ी क्रेजी है नाइट, क्रेजी बारिशों में आजा दिल वेट कर ले, आजा मामला सेट कर ले, आजा मामला सेट कर ले, आजा
आजा मामला सेट कर ले, आजा मामला सेट कर ले, आजा मामला सेट कर ले। ओ शिट, मेरे पति आ गए। पति? ओ शिट, भैया। अच्छा, दूध वाला भैया। मुझे दूध नहीं चाहिए। कम ऑन बेबी। नो स्टूपिड, मेरे भैया। ओ गॉड, मेरे डैडी। ओ बेबी, दिस डैडी इज एवर रेडी। ओ स्टूपिड, मेरे रियल डैडी आ गए। रियल डैडी। What? यही बाप मिला तेरे को? कोई जो साल नहीं ढूंढ सकती थी। गए भैया। ये तो दस मुंडी वाले रावण की प्रीति निकली। ओ गॉड, ये रावण तो मेरी जान लेकर रहेगा। ये तो मुझे झाड़ पे लटकेगा। नहीं, ये तो पूरा झाड़। यही सवाल तो मैं तुम दोनों से पूछने वाला था। ये टीचर रोज का घर है। अबे ये मरियम का भी घर है। ये मेरे का भी घर है। इसका मतलब है कि रोज मेरी और मरियम प्रिंसिपल रॉबर्ट की बीवी बहन और बेटी है। घर में निकले थे एबीसी, अब टी फॉर डेथ और जे फॉर जान। चुपचाप चल रही थी घर में हस्ती, हमें किसने कहा था करने के लिए? रोज, मैरी, मरियम, रोज, मैं कब से घंटी बजा रहा हूँ, तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? What is this? Sorry darling, मैं तो गहरी नींद में थी। हाँ डैडी, मैं भी भैया। लेकिन आप तो दो दिन बाद आने वाले थे ना, आज कैसे आ गए? क्यों, मेरे आज आ जाने से तुम्हें तकलीफ हो रही है? नहीं डैडी, बिल्कुल नहीं। हम तो आपको देखकर बहुत खुश हैं भैया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम तीनों मुझसे झूठ बोल रही हो? जानती हो, झूठ अगर चाहे तो दुनिया के 6 बार चक्कर लगा सकता है, जबकि सच उसी वक्त नंगा पतलून पहनने की कोशिश में लगा होगा। वैसे तुम दोनों की पतलून कहाँ पे? रूम में छोड़ दी। मैंने भी। कौन है? भैया कोई नहीं है। अरे कोई कैसे नहीं है, मैंने खुद आवाज सुनी है। भैया आप क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारे कमरे में? नो रॉबर्ट। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। डार्लिंग, यू हैव टू ट्रस्ट अस। I think there is something. ये पैंट किसकी है? ये टी-शर्ट किसकी है? क्या चल रहा है यहाँ पे? मुझे नहीं पता भैया, ये कपड़े किसके हैं? आई स्वेयर ना माता। नो कंट्रोल।
कि ये कपड़े किसके हैं। डैडी आई स्वेयर ऑन गॉड मुझे नहीं पता ये कपड़े किसके हैं। रोज तुम ही नंगा गैंग। नंगा गैंग? हाँ भैया ये उसी गैंग मेंबर्स के कपड़े हैं। Yes, she's 100% right. हाँ डैडी। Oh my God, यानी कि अगर आप दरवाजे पे बैंग नहीं करते नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। नंगा गैंग। नंगा गैंग। Hey, you rascals! तेरा पति तो मैं हूं तो तुम मुझे भागने को क्यों बोल रही है कामिनी? बोल! अबे साले अगर तू मेरा पति है तो तू अपनी बोतल पहन के क्यों भाग रहा कुत्ते? वो क्या है ना कि अबे पहली फ्लाइट पकड़ के निकलते शहर से। अरे लेकिन अपना सामान। अरे उस सामान के चक्कर में अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। मतलब भागो। एयरपोर्ट चलो एयरपोर्ट चल 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 चल। अरे अरे रुक लो मैंने तो कुछ किया भी नहीं और फिर भी फंस गया यार। क्या? तूने भी कुछ नहीं किया? तूने भी मतलब हम तीनों ने कुछ नहीं किया यानी कि खाया पिया कुछ नहीं अब प्रिंसिपल के एक्स के सामने टैक्स भरना पड़ेगा। अबे तुम लोगों ने अपने पैंट में कुछ छोड़ा तो नहीं ना? हां मैंने छोड़ा। क्या कंडोम का पैकेट? वो नहीं रहे। अबे वॉलेट आईडी कार्ड ऐसा कुछ छोड़ा क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। थैंक गॉड। अबे तू क्या सुन जल्दी चढ़ा। ये तो हमें जाम से मार देगा। हम तीनों की लाश ले जाने के लिए ये कफन के साथ कॉफिन भी लाया। अब्राहम लिंकन ने कहा था आई हैव ऑलवेज फाउंड मर्सी बेयर्स रिचर फ्रूट्स देन स्ट्रिक्ट जस्टिस। अर्थात माफी का फल सजा के फल से ज्यादा मीठा होता है। लेकिन शायद अब्राहम लिंकन के घर में घुसकर उन तीन कमीनों ने उसकी बीवी उसकी बेटी और उसकी बहन के साथ रंग रलियां नहीं मनाई थी। मनाई होती तो वो भी वही करता जो मैं अब तुम तीन कमीनों के साथ करूंगा। सर आपको कोई गलतफहमी हुई है हम आपकी बीवी बेटी बहन को जानते ही नहीं है। उन्हें क्या हम तो अब्राहम लिंकन को भी नहीं जानते सर। अब्राहम लिंकन तो क्या हम तो जॉन अब्राहम को भी नहीं जानते सर। अगर तुम वो तीन बदमाश नहीं हो जिन्होंने मेरी बीवी रोज बेटी मैरी और बहन मरियम के साथ रंगरलियां नहीं मनाई है तो आधी रात को कॉलेज से भागकर यहां एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हो? अब जवाब ऊपर जाके गॉड को देना। हम तो यहाँ हमारी बीवी को ले रहे थे डालेंगे ममता उन्नति तुलसी। थैंक गॉड तुम आ गई
I've never missed you so much. मैं तो तुम्हारे बिना मारा मर ही जाता. तुम आज वक्त पे नहीं आती. तुम मेरे सामने जाते चीचे ये कौन है? हमारे प्रिंसिपल रॉबर्ट, रोज के पति. मेरी के पापा. हाँ, मरियम के भैया. मरियम, रोज मेरी? नहीं नहीं, रोज मेरी मरियम. अब रोज मेरी मरियम हो या मरियम रोज मेरी हो, क्या फर्क पड़ता है? सब एक ही तो बात है ना? लेकिन एक सेकंड, हम लोग तो यहाँ आप लोग को सरप्राइज देने के लिए आए हैं, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग आ जाने वाले? तुम लोगों को कैसे पता चला कि आने वाली हैं? सब मेरी गलती है. कैसे? आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से पता चला ना? मैंने हम सब की टिकट वहीं से करवाई थी. और कैसे पता चल सकता? So smart. अब चले, रात बहुत हो गई है और हम बहुत थक गए हैं. थक गए हम लोग. चलो, गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. चलो चलो चलो. पप्पू को मैं अपने मायके छोड़ आई ताकि आज ना दूध गर्म करने की जरूरत पड़े ना हिलाने की ना ही पप्पू को सुलाने की. जरूरत है. डार्लिंग, तुम थकी नहीं हो? कमीने कौवे, तू 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 यहाँ क्या कर रहा है? मेरे पे क्यों बैठ रहा है? देख देख, मेरे पे मत बैठ. उठ उठ उठ, हट हट हट. अरे देख, अरे ऊपर नहीं आना. ऊपर ऊपर नहीं आना. इस तरह से जुलूम मत कर रहे. क्या हुआ मीत? क्या किया कौवे ने? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? चोट नहीं, भारी विस्फोट हुआ है. अमर सक्सेना, प्रेम चावला, मीत मेहता, रिपोर्ट टू माय ऑफिस इमीडिएटली. अबे तू ऐसे क्यों चल रहा है? मत पूछ यार, पहले प्रिंसिपल को देख लेते. उसने हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया है? यार कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई ना? ओह शिट, चल. अबे ऐसे थोड़ी जाएगा, कपड़े पहन. हाँ ओके. आज सुबह वो चीज हुई है जो पिछले 6 सालों में नहीं हुई. 6 साल में पहली बार यहां 3 कलियां खिली हैं. ये देखो. जब हमने कुछ किया ही नहीं तो ये कलियां कैसे खिल गई यार? हेनरी डेविड थोरो ने कहा था, ट्रुथ एंड रोजेज हैव थॉर्न्स अबाउट देम, अर्थात फूल और सच
दोनों कांटों से भरे होते हैं और ये कांटे मुझे तब तक चुभते रहेंगे जब तक मैं उन तीन मालियों को नहीं ढूंढ लेता जिन्होंने इन तीन कलियों को खिलाया है। अब मेरी फ्रस्ट्रेशन का एक ही इलाज है, पूछो क्या? मेडिटेशन? मेडिटेशन? मयूरासन? सर एक बात पूछनी थी, आप उन तीनों को ढूंढेंगे कैसे? अगर वो तीन आपके सामने भी खड़े हो तो आप तो पहचान नहीं पाओगे। लेकिन अब मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा और उन सालों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और मैंने तुम्हें खास ये कहने के लिए बुलाया है कि कल रात जो हुआ उसके बारे में कैंपस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। Do you understand, boys? Yes, sir. Okay. अरे किसी और की तिजोरी तो क्या, हम तो दीपक तिजोरी के पास भी नहीं भटकेंगे भाई। तीन देवियों के साथ तीन देवियां क्या कर रही हैं? आओ जाके पता करते हैं। आखिर हमें रोज मेरी और मरियम से मिलने का मौका मिल ही गया। हाँ, और हमें एहसास हुआ that we have so much in common. too much. एक ही मुलाकात में हम सब इतनी गहरी दोस्त बन गई हैं, मानो दोस्त नहीं बहने हो। ऐसी बात है तो इन पर हमारा भी हक है क्योंकि साली आधी घरवाली होती है। मरियम भी बड़ी जोकी है ना। कहीं इसका जोक हमें मौत न दे। मरियम हमें अपनी दूध की फैक्ट्री का टूर दे रही है। बाय 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 बाय। अबे यार, ये रोज मैरी और मरियम ने हमारी बीवियों के साथ दोस्ती क्यों की है? सिंपल है यार, ताकि हमारे नजदीक रह सके। देखो हम मरियम की फैक्ट्री से क्या लाए, गाय का दूध। नहीं मैं नहीं पीऊंगा दूध। ठीक है तो भ्रम पी लेती है। बैठो। मुझे बहुत बुरी तरह लगी, चलो तुम चलते हैं। हाँ चलो, मुझे भी लगी है। चलो प्रेम, तुझे लगी है? मुझे नहीं लगी। तुझे लगी है? नहीं मुझे नहीं लगी है। लगी है प्रेम, तुझे लगी है। चलो लगी है बहुत बुरी तरह। चलो डार्लिंग, हम लोग लू गए और लू आए। ओके ओके। अबे लगी नहीं है, लग गई है। किसी ने हमें एमएमएस भेजा है जहां मैं मेरी के साथ और मरियम के साथ। शिट, थैंक गॉड मुझे कोई एमएमएस भेज नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा फोन तुम्हारी बीवी के पास है। क्यों मारा? अबे तेरा फोन तेरी बीवी के पास है, इसका मतलब है कि एमएमएस नहीं आएगा क्या? ये फोन मुझे दो। आई हेट दिस फोन। लोग कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन ये एप्पल हम दोनों को एक दूसरे से अलग रखता है। आईफोन, आईपैड, आईपॉड, इन सब की वजह से की भी जरूरत नहीं होती। इस फोन की आईजी टर्न। आपने अपना नहीं मेरा फोन तोड़ा। व्हाट? हाँ, आपका फोन तो मेरे पर्स में है। तुलसी नहीं, तुलसी मैं ठहर रहा हूँ। आप कितने सही हैं, ये फोन सचमुच मुसीबत बन चुके हैं, इसलिए इस हॉलिडे पे नो मोर फोन्स, राइट? राइट राइट। ए चिकने, चलता क्या?
नहीं नो थैंक यू चलो यार ये कैसी जगह बुलाया ब्लैक मेलर ने हमें अमा मीट प्रेम यस बॉस हैज आस्क्ड यू टू रिमूव योर क्लोथ्स एंड गेट कोजी इन द जकूजी क्लोथ्स कोजी जकूजी वेलकम फ्रेंड्स जहां लोग पाप करने आते हैं तुम तीनों को पाप तोड़ने का मौका मिल रहा है अबे आदिक तू तू तो पागल खाने में था ना हा? दो हफ्ते पहले मैं वहां से फरार हो गया छह साल से जिस बदले की आग में जला हूं उससे बुझाने प्रिंसिपल रॉबर्ट को इस दुनिया से हटाने मैं उसके घर में नजर रखने लगा ताकि सही मौका मिलते ही मैं उसका खून कर दूं और मैं अपना बदला ले सकूं लेकिन उस रात जब मैंने तुम तीनों को रोज मैरी और मरियम के साथ घर के अंदर घुसते हुए देखा तब मुझे एक आइडिया आया कि कुछ चीजें अपने हाथ में लेकर करने में उतना मजा नहीं है यार तू अपने दोस्तों को ब्लैकमेल करेगा हमने तेरा क्या बिगाड़ा यार हाँ और तुझे हमारी क्या जरूरत है कॉलेज रियूनियन के लिए प्रिंसिपल रॉबर्ट सुबह से शाम कॉलेज में ही है वहां जाके मार देना उसे नहीं मैं कॉलेज के अंदर अपना पैर नहीं रख सकता जब भी मैं कॉलेज के बारे में सोचता हूँ मुझे वो भयानक दिन और वो डरावना झाड़ की याद आती है और मेरी हालत खराब हो जाती है अगर हमने ये करने से मना कर दिया तो मना कर दोगे मुझे मना कर दोगे शाला मैं तुम्हें दिखाता हूँ देखो ये तीन वीडियो जो मैंने तुम तीनों को भेजा था भेज दू प्रिंसिपल को भेज दू अब आगे ना कल ठिकाने में सोचो अगर प्रिंसिपल ने इस वीडियो को देख लिया तो तुम तीनों को जान से मार देगा फैसला तुम्हारे हाथ में है ये प्रिंसिपल को मारकर खुद को बचाओ या फिर प्रिंसिपल को बचाकर अपने आप को मार दो अरे सूप ये सूप किसके लिए प्रिंसिपल साहब के लिए अच्छा अच्छा बाहर कहाँ है बाहर सर ड्रिंक वो सामने काउंटर पर थैंक यू जल्दी सॉसेज लें सर आपका ये स्पेशल सूप अच्छा सॉरी सर साहब सूप 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 कोई बात नहीं बैठो घूर क्या रहे हो कैसे पापा हम कहाँ घूर रहे सर है ना प्रेम हाँ 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 हम तो सूप पी रहे मतलब सूप पी रहे आप भी पी लीजिए ना सर थोड़ा सा एक घूट नहीं पीता मैं ठंडा हो जाएगा सर शट अप मेरा तो सर फट रहा है मेरा तो सब कुछ बढ़ रहा है ये चिकन लॉलीपॉप सर दबा रही है कि खुजा रही है चल निकल यहां से अबे हाथ उठाती है अबे हाथ उठाते इधर बंदा मैं भी जानता हूं इधर जानती हूं कि इधर कुंफू मैं भी जानती हूं अबे क्या कर रहा है तू क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या ये कब हमसे नहीं होगा यार हम मर्डरर्स नहीं है यार
आदिक के फोन से अपने वीडियोस मिटाने के लिए हमें कोई ना कोई गुल तो खिलाना ही पड़ेगा यार। अबे वो आदिक अपना फोन अपनी जेब में घुसा कर रखता है, उसका फोन छीनने के लिए हमें गुल नहीं गुलदस्ता खिलाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई हैव एन आइडिया। फ्रेंड्स, आई हैव एन आइडिया। 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 Good evening, sir. Good evening, Clara. These are two beautiful girls. Bonjour. I'm Harris from Paris. And I'm Shana from Ghana. And myself, secretary. Oui, 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 oui. So, Kalio, ho jaye badhiya massage, phataphat. Okay. Hey, I love it. Abis. Hey, tum teen. तूने क्या सोचा कि तू हमें ऐसे ही ब्लैकमेल करता रहेगा और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? सबसे पहले तेरे फोन से हम तीनों के वीडियोस डिलीट करेंगे, फिर उसी फोन से पागल खाने फोन करके तुझे वहां भेज देंगे। चल फोन निकाल, निकाल। मैं क्यों निकालूं? मैं इसकी जेब में हाथ नहीं डालने वाला। अबे साले, तेरा ही था ना आइडिया। अब चुपचाप से इसकी जेब में हाथ डाल, फोन निकाल। मैं इसकी जेब में हाथ नहीं डालने वाला। हाथ डाल जेब में। हाथ डाल जेब में। वीडियो 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 डिलीट डिलीट डिलीट। हेलो मेंटल हॉस्पिटल। थैंक गॉड उस कमीने हार्दिक से पीछा छुटाया। हाँ यार, क्या हुआ तुलसी, तुम रो क्यों रही हो? बस यही सोचकर आग भरा है कि चाहते हुए भी घर पर मैं प्रेम के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। पूरी फैमिली का ख्याल रखते रखते मैं अपने पति को खुश नहीं रख पाती। आई कैन अंडरस्टैंड, जब से पप्पू पैदा हुआ है तब से ऐसे लगता है कि मेरा प्यार भी बढ़ गया है। एक अच्छी माँ तो बन सकती हूँ, लेकिन शायद एक अच्छी पत्नी नहीं। मीत और मेरा सपना है अपना एक खुद का घर लेने का, एक ऐसा घर जहाँ हम अपनी फैमिली शुरू कर सके। इसलिए मैं दिन रात सुबह शाम ऑफिस में काम करती रहती हूँ, लेकिन घर दीवारों से नहीं जज्बातों से बनता है। शायद इसलिए मैं एक सक्सेसफुल बॉस तो बन गई, लेकिन एक सक्सेसफुल बीवी नहीं बन पाई। हम तीनों यहां आए थी ताकि दिलों के बीच की दूरियों को मिटा सके, लेकिन डोंट वरी, अब हम अपने पतियों को खुश रखने का एक भी मौका नहीं जाने देंगे। हमारी बीवियां गलत नहीं है, फिर भी खुद को गलत समझ रही, और हम लोग गलत होकर भी अपनी गलती नहीं सुधारे। हम अपनी गलती सुधार सकते हैं, खुद सुधार कर। हाँ, आज के बाद ना ही हम कभी मस्ती करेंगे, ना कभी एबीसीडी का गलत मतलब निकालेंगे। बस किसी तरह आज की रात निकल जाए यार, फिर घर लौट कर हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। और आज के बाद मैंने कभी भी आइडिया आइडिया कहा ना तो तुम दोनों मुझे थप्पड़ मार देना। मैंने सोचा था कि वो तीन बदमाश मेरी तिजोरियां लूटने जरूर वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज की रात रीयूनियन की आखिरी रात है, ये लास्ट चांस है उन तीन बदमाशों को पकड़ने का, और मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। कालिया, ये वो गोलियां हैं जिसे खाने के बाद सभी लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और अपना आपा खो देते हैं। तू जा,
जाकर ये गोलियां सूप में डाल दे। गुड बॉय, गुड लक। क्या बात है, क्या फाड़ू सूप है यार।
मस्ती। अब इन तीनों को गले लगाने का वक्त नहीं, मौत को गले लगाने का वक्त आ गया है। आज तेरी सच्चाई मैं कहूंगी और जमाना सुनेगा। इसने सच छुपाया और धोखा देकर मुझसे शादी की। ये क्या कह रही हो तुम? Enough is enough। आज हम तीनों ही नहीं बल्कि इस कॉलेज की हर लड़की कहेगी, साडा हक एथे रक। मिस रोज की हवस के बुलडोजर से अब ये बुली मुझे बचा सकता है। बुल भैया। मर जाऊंगा, इतनी गर्मी है। ओ गॉड, हेल्प मी, ओ गॉड, समबडी हेल्प मी। मर जाऊंगा ऊपर। अरे खोलो, होल होल जबर विद द होल। ए आंटी, ओप तेरी रास्ता जाने रहा है। ये बुड्ढे कहां से आ गए? बच्चा मेरी, आज तू मेरी हो जाएगी। नहीं छोड़ूंगा रॉबर्ट, तुझे नहीं छोड़ूंगा। रॉबर्ट आ रहे कहां गए? अब क्या करें, ये बिल्डिंग में घुसते चलो। प्रेम दरवाजा तो बंद कर यार, लॉक कर। आह
अच्छा हुआ तुम तीनों यहाँ ऊपर आ गए। यहाँ से गॉड के पास जाने का डिस्टेंस और कम हो गया। गुड बाय बॉयज। तूने मुझे झाड़ से लटका दिया था, अब देख मैंने तुझे कहाँ लटका दिया। अबे कुत्ते क्या कर रहे हैं गाइस? गाइस हमें प्रिंसिपल रॉबर्ट को बचाना होगा यार। अरे प्रेम आदिक, पर चलो यार हेल्प करो यार। नहीं, मैं इस कमीने को क्यों बचाऊं? हाँ गाइस ही इज राइट, इसे बचाने की कोई जरूरत नहीं, अगर ये बच गया तो हम तीनों मर जाएंगे। गाइस गाइस माना के मिस्टर रॉबर्ट कुत्ता है, कमीना है, कमजोर्फ है, और अभी अभी पता चला है कि साला नल्ला है, नल्ला। लेकिन फिर भी हमारा गुरु है यार। हाँ यार आदिक, देख अगर तूने आज प्रिंसिपल रॉबर्ट की जान बचा ली ना तो लोग तुझे सिर्फ मैन विद द गोल्डन टच नहीं बल्कि मैन विद द गोल्डन हार्ट भी कहेंगे यार। हाँ। You're right. तुमने मेरी आंखें खोल दी अमर, चलो जल्दी से प्रिंसिपल रॉबर्ट को बचाते हैं। हाँ, चल, चल। प्लीज, प्लीज। आजा आजा मेरे बच्चे आजा। छोड़ो, मुझे मारने आए हो या बचाने आए हो कमीनो, छोड़ो। मैंने बोला था बहुत बचाओ से, अब मर गए ना। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से बदल जाऊंगा? उस थप्पड़ की गूंज आज तक मैं भुला नहीं हूँ। पागल खाने भेजा था ना मुझे, पागल तो तुम हो, तुम तीनों बिना कुछ किए ही मरोगे। कम से कम रोज मैरी और मरियम के साथ सच में मजा करके मरते। तो इसका मतलब तुमने रोज मैरी और मरियम के साथ कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया सर। सॉरी बॉयज, आई एम रियली सॉरी। सो स्वीट, सारी गलतफहमियां दूर हो गई। लेकिन अफसोस, इस कहानी का सिर्फ एक ही हैप्पी एंडिंग है, जब तुम चारों ऊपर जाओगे और मैं सेलिब्रेट करने बैंकॉक जाऊंगा, बैंकॉक जाऊंगा, बैंकॉक। अरे ये तो अमर, मीत, प्रेम और भैया की आवाज है। हेलो, कौन कौन लटक रहा है वहाँ? अबे तेरा बाप लटक रहा है और उसके पिछवाड़े से सारा गांव लटक रहा है। रोज मैरी मरियम, I'm sorry, please save us. How can we save them? अरे यहाँ ना रस्सी है ना कोई केबल, कैसे बचाएं तुम्हें? अरे अगर कुछ कैसे बचाएं? सर क्या करें सर? आइडिया, फ्रेंड्स, आई हैव एन आइडिया। साले अफसोस, इस सिचुएशन में मैं तुझे थप्पड़ नहीं मार सकता, लेकिन कुत्ते टक्कर तो मार सकता ना? ये ले, ये ले। हमें जानना है कि कल रात पार्टी के बाद क्या हुआ था। हाँ, आप लोगों को हमें सच बताना ही होगा। बताओ। मैं बताता हूं, मेरे और आदिक के बीच में गलतफहमी की वजह से हम दोनों की जान मुश्किल में फंस गई। हमें बचाने के चक्कर में तुम तीनों के हस्बैंड भी उसमें फंस गए। इनफैक्ट यू शुड बी प्राउड ऑफ देम, दे आर वेरी नाइस एंड गुड पीपल। गॉड प्रॉमिस बिलीव देम।
हिला हिला के रख दिया हमको